press the bell icon for all the updates. आज तक ये सारे कॉन्सेप्ट पे मूवी लोगों ने देखी है बनते हुए, पर पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग ऑनलाइन ये सारी चीज़ें, वेब पर ये चीज़ें देखेंगे। कितना यूनिक प्रोजेक्ट आप लोग के लिए रहा जब आपको ऑफर आया था इस चीज़ का? यूनिक इसलिए है क्योंकि आप हमेशा एक लड़का और लड़की के बीच की लव स्टोरी देखते हैं। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं। यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्रियल गौरव लीना चलानी है। क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह का रोल आपको ऑफर हुआ था? मैं आई वुड से एक्साइटेड थी बिकॉज जैसा कि आपने कहा टेलीविजन में तो नहीं आई है, प्लस वेब सीरीज में भी ऐसी स्टोरी नहीं आई है जहाँ पे दो लड़कियों की लव स्टोरी हो। हम फिज़िकल बाद में अगर फोकस करें तो पहले की लव स्टोरी है जहाँ पे लड़की लड़की से प्यार करती है, दिल से प्यार करती है। सो आई थिंक मैंने वो कनेक्शन, वो फीलिंग देखी है एंड आई सेड आई एम रेडी टू डू इट। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप दोनों को कभी लड़कों के साथ किस करते हुए किसी ने नहीं देखा था और यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को किस कर रही हैं? मुझे तो देखा होगा। मैंने एक आधी शो में किया है, एक आधी फिल्म में भी किया है। तो लीना आपका पहला? नहीं, ये मेरा पहला, वो भी लड़की प्रियल गौर। मेरा ऑन स्क्रीन पहला किस था एंड प्रियल के साथ, बट इट वाज गुड। शी इज ग्रेटफुल, शी इज थैंकफुल टू गॉड। मुझे प्रियल मिली पहले किस में, भगवान। अच्छा, कितनी गलतियां हुई थी क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इतनी कंफर्टेबल रही होंगी ये सीन करते हुए। गलतियां तो जरूर हुई। हाँ, गलतियां तो हुई थी, आई मीन गलतियां नहीं बट हम लोग हंस रहे थे, बट हंस रहे थे हम, मतलब लिटरली होंठ पे होंठ लगे और वहां से जा रहे हैं दोनों। अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये किस सीन जब फाइनल आप लोग ने टेक दिया तो कितनी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एडवाइस दिया, चल ठीक है कर? नहीं, फाइनली हमने एंड में हग किया जब ओके हुआ था। वी डिड इट। एडवाइस क्या देना यार, वी ऑल आर ग्रोन अप्स, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें हंसी आ रही थी, मेन तो ये था कि यार क्या हमें उस हंसी को कंट्रोल करना था उस वक्त के लिए। और आई थिंक हमने एक दूसरे को बस ये बोला कि लीना बार-बार करेंगे, लेट्स डू इट, बस यही था। अच्छा प्रियल, लीना मैं आपसे जैसे इस सब्जेक्ट पे जब भी बातें होती हैं कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है, अगर वो इस चीज को करता भी है, पर आप लोगों ने कितने ऐसे लोगों को कभी देखा है, कभी उनसे कोई एडवाइस ली है जब आप लोग ने ये रोल प्ले कर लिया है? नहीं, कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा है? एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं मिला हमें प्रिपरेशन का, या बहुत क्विकली सब कुछ फाइनल हुआ, हम लोग शूट पे चले गए, शूट पे भी चले गए। आई थिंक वैसा कुछ नहीं, बट आई थिंक एक चीज दिमाग में रखी कि इस कैरेक्टर को जीना है, उसे फील करना है। उस फीलिंग में क्या क्या होता है वो बात की बात है, रोना है, हंसना है, किस करना है, क्या करना है, बट द थिंग इज उस कैरेक्टर को जीना है। अच्छा, जब जैसे ही इसका ट्रेलर आया सामने, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ट्रोल्ड नहीं किया है ना? नॉर्मली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं चीजों को लेकर, आ रहे आ रहे इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन बट हाँ एक्चुअली राइट, अगर नेगेटिव देखा जाए तो 20% 30% है, बट 70% इज पॉजिटिव कि वी आर सो ग्लैड कि दो लड़कियाँ इतनी ब्रेव और इतनी बोल्ड होकर ये पोर्ट्रे कर रही है कैरेक्टर। ये सारी चीज़ें सुन के ना दोनों के नाम से एक इमेज ऑलरेडी जुड़ी हुई थी टेलीविजन की, और हम पहले ऑलरेडी कर चुके थे, तो न्यू कमर्स के लिए शायद थोड़ा सा आई वुड से कि और अलग होता, हमारे लिए थोड़ा सा ऑलरेडी एक इमेज जुड़ी हुई है तो लोगों को वो भी लग रहा है कि आप टेलीविजन कर रहे हो, आप इतने संस्कारी वंस्कारी रह चुके हो पहले, अब ये कैसे कर रहे हो? देन बट तो हमारा कैरेक्टर्स हैं, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, सो आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द पीपल समझ रहे हैं। अच्छा प्रियल, यहाँ पे देखा गया आपकी मॉम यहाँ पे आपके साथ, क्या कहते हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट भी ऑफकोर्स हम दोनों की फैमिलीज बहुत सपोर्टिंग है। आई थिंक वो अगर इतने सपोर्टिंग नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। आई मीन मैंने पहले भी बोला ये ऐसी बहुत लड़कियाँ शायद एक्टर्स में भी होंगी हु वॉन्ट टू हु वुड लव टू प्ले दिस रोल, पर शायद उनकी फैमिलीज की वजह से वो ना कर पाए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में कि हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, और इन्होंने भी यही कहा कि यू नो शी डिडंट इवन हैव टू आस्क कि मैं करूँ नहीं करूँ, बिकॉज शी न्यू कि वो सपोर्ट करेंगे तो वी आर ब्लेस्ड। अच्छा, ये ट्रेलर देखने के बाद फैमिली रिएक्शन अगर मैं पूछूँ या फ्रेंड्स का पूछूँ, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को क्या मिला है पूरे जब आप लोगों ने ये ट्रेलर? दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, या आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दो लड़कियों के बीच में प्यार केमिस्ट्री बताना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं तो एंड इत्तेफाक से यू नो अगर वैसे को एक्टर्स मिल जाते जहाँ पे अब कट होते ही आप अपना अपना स्पेस ले रहे हो एंड बिल्कुल नहीं बन रही, कैट फाइट हो रही है, तो आई थिंक इस प्यार को दिखाने में थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। राइट, एंड आई थिंक लग रहा है आप लोग के इस
कॉन्सेप्ट को लेकर लोग एक्सेप्ट करेंगे और उतना प्यार देंगे और ये सारी चीज़ों से शायद थोड़ा बहुत बदलाव लोगों के अंदर आए। आई होप रियली प्रे कि ऐसा हो। अब देखो यार, हमने तो स्टोरी लिखी नहीं है, हमने तो खाली हमारा काम किया है, जो लिखा है उसको निभाया है। अब हम भगवान से तो यही दुआ करेंगे कि यार हमारे काम को अप्रिशिएट करे, लाइक करे, और ना कि कुछ गलत बोले, बिकॉज हमने भी उतनी मेहनत की है जितनी डायरेक्टर ने की है, जितनी हमारे प्रोड्यूसर ने की है, पूरी टीम ने मिलकर इतनी मेहनत की होती है। तो लगता है यार बुरा मत करो, अप्रिशिएट नहीं भी करना तो एटलीस्ट बुरा मत कहो। अच्छा, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को जिनका इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है आप लोगों के साथ? प्लीज डू वॉच इट माया 2 टुमारो 8 PM ऑन वीबी ऑन द वेब एंड जियो सिनेमा। देखो और हमें बताओ आपको कैसा लगा, हम वेट करेंगे। यस एब्सोल्युटली, आप लोगों ने हमेशा हम दोनों को इतना प्यार किया है, हमें हमेशा एक इनोसेंट और यू नो एक बबली वाले इमेज से जोड़ रखा है, लेकिन हम दोनों ने इस बारी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हमने एक चैलेंजिंग कैरेक्टर लिया है और हम यहाँ पर हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो प्लीज़ माया 2 देखिए, हमें बहुत सारा प्यार कीजिए। थैंक यू।